हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? और आज तो रामनवमी, आपको पता है, और बाहर हो रही है बहुत ज़ोर की बारिश। और देखिए, अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का लास्ट चल रहा है, एंड चल रहा है, और ठंड इतनी हो चुकी है कि बच्चों ने सबने स्वेटर कोटियाँ, ये देखिए ये स्वेटर निकाल दिए बच्चों ने, और काफ़ी ठंड हो चुकी है। तो रामनवमी है और आज हम श्री राम भगवान का जन्म दिवस होता है, तो हम क्या तो आज भगवान राम जी की पूजा करते हैं, और साथ में हम रामनवमी के दिन तुलसी बीजते हैं। तो मैं भी तुलसी बीजने जा रही हूँ, और ये मेरे जौ है, देखिए कितने ग्रीन ग्रीन निकले हैं, और वैसे उतने अच्छे नहीं निकले जितने हर बार निकलते थे, इस बार थोड़ा मुझे कम लग रहे हैं, और कलर भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं आया है, थोड़ा सा येलो रह गया, पर फिर भी अच्छे निकले हैं। ये देखिए हाँ, गमले रखे हैं, और इसमें मैंने ये तुलसी बीज दी है, ये देखिए ये इसमें तुलसी का बीज डाल के, और कि मैंने गमले पहले ही तैयार करके रख दिए थे, और बाद में इसमें तुलसी का बीज डाला है, और ऊपर से इसको ढक दिया है पत्तों से। इसको ढकना पड़ता है जब तक ये तुलसी थोड़ी थोड़ी निकले नहीं ना, तब तक इसको ऊपर से ढक देते हैं पत्तों से। ये देखिए, ये दूसरे दो गमले बीजे हुए मैंने, हाँ एक गमले में ये अलग अलग बीज है, एक राम तुलसी होती है ना, और एक श्याम तुलसी, तो ये मैंने अलग अलग बीजे हैं, इसमें अलग टाइप का बीज है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी राम तुलसी होती है और कौन सी श्याम तुलसी होती है, लेकिन हाँ वो दो टाइप के बीज थे, तो मैंने एक बीज इसमें डाला है। अब जब उगेगी तब पता चलेगा कि कौन सी वाली है किस में, और एक मैंने इसमें डाला, ये बड़े वाला गमला है यहाँ पे, और ये गमला मेरे पास एक ही था खाली, तो मैंने इसमें डाल दिया ये, और ये मेरे पास पेंट की बाल्टी थी छोटी, तो मैंने ये इसमें डाला है एक बीज, और इसको ना मैंने अच्छे से थोड़ा सा कवर कर दिया ऊपर से, जब तक ये निकले ना तब तक इसको ऐसे ही कवर रखते हैं। कल से लग रही है बच्चों की क्लासेस, और मैं ये नोटबुक्स लेके आई बच्चों के लिए, और ये पेन वगैरह भी लेके आई, ये देखो ये पूरा पैकेट है, इसमें 5 पेन है, और 25 रुपए का ये पैकेट है, 5 रुपए का एक पेन, और ये नोटबुक्स लेके आई, अभी तो और लेके आनी पड़ेगी, ये तो कम है, लेकिन थोड़ी सी लेके आई, अभी मैं उठाई भी नहीं जा रही थी, और ऊपर से बारिश लगी हुई थी, इतनी बारिश और इतनी ठंड हो चुकी है पूरे में, बारिश ही बारिश, पानी पानी, जैसे बरसातों में पानी भरता ना, उस तरह से पानी भर गया है पूरे में। आज मैंने बिल्कुल सिंपल खाना बनाया है व्रत खोलने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 9 दिन तक फलाहार का ही व्रत रखा है, फलाहार ही खाया है रात को भी, तो आज उन्होंने व्रत खोलना है, तो इसलिए ज़्यादा हैवी खाना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने सिंपल खाना बनाया। आज नवमी है तो आज लास्ट व्रत होता है, तो मेरे हस्बैंड व्रत खोल लेंगे अभी, तो पहले पूजा कर लेंगे, और अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे, तो फिर थोड़ा सा भजन कीर्तन भी करेंगे, और वैसे तो हम डेली करते हैं, आज भी थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर व्रत खोलेंगे। अभी ये पूजा में बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, और मैं खाने खुने की तैयारी कर रही हूँ तब तक, फिर ये अपनी माला जपते हैं, तो माला जपने के बाद फिर हम आरती करने बैठेंगे, और बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और मैं जा रही हूँ नीचे अब दुकान बंद करने, तो ये देखिए कितना अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, लाइटें जल गई है सारे में, तो संध्या टाइम हो चुका है, और मैं दुकान की सेटिंग करने, सामान वगैरह जो बाहर लगा रखा है उसको अंदर निकाल के रख के दुकान बंद करके, और फिर हम आएंगे, फिर हम बैठेंगे आरती करने। Thank you.
फ्रेंड्स, कितनी जोर से बारिश हो रही है और देखो लाइटनिंग हो रही है और कैसी आवाज़ आ रही है इतनी जोर जोर की बारिश की। देखो लाइटनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ये लाइटनिंग हो रही है। ये अप्रैल के महीने में बरसात की तरह बारिश हो रही है और ठंड भी उतनी ज़्यादा हो चुकी है। आप देखिए कितनी लाइटनिंग भी हो रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ भी आ रही है बारिश की। अभी टाइम हुआ है 9:15 और अब ये वीडियो मैं कल ही अपलोड करूँगी क्योंकि मेरा नेट भी आज का ख़त्म हो चुका है। सो गुड नाइट फ्रेंड्स एंड स्वीट ड्रीम्स।